नमस्कार विद्यार्थियों, ये प्रैक्टिकल की अगली श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है डिटरमिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ इंक टूवर्ड्स द ऑर्डिनरी केमिकल लाइक सोप वाटर वीक एल्कलाइन एसिड। ये स्टडी एक प्रैक्टिकल है, पेंटर साइंस लैब है जिसमें ये प्रैक्टिकल स्टडी कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट का नाम है PR 302 पेंटर साइंस। पहला है इसमें वेट सॉप मतलब गीले साबुन के प्रति। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि गीले साबुन का, जैसा कि आपके सामने थ्योरी है ही है, मैं उसको हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूँ। एक पतले तार की सहायता से उसकी एक स्लाइस काटते हैं और जो आपका प्रिंटेड मैटर है उसको उसके दोनों तरफ सैंडविच बनाकर 3 दिन के लिए 120 डिग्री फारेनहाइट के टेम्परेचर पर रखते हैं। इसके बाद उस 3 दिन बाद उस जो आपका टेस्ट पीस है उसको निकाल कर उसके ऊपर हम ये जाँच करते हैं कि क्या उसके कलर में कोई चेंज आया है या फिर, और अंगुली से उसको थोड़ा रगड़ने की कोशिश करते हैं क्या उसका इंक विकल हो या पिगमेंट अपनी जगह को या सबस्ट्रेट को छूट रहा है। तो इस तरह के एग्जामिन से हम उसको गीले साबुन के प्रति उसकी रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है टेस्टिंग फॉर एल्कलाइन रेजिस्टेंस। इसमें हम जो टेस्ट स्ट्रिप होती है उसको जो साइज़ दी हुई है 2 इंच बाय 3/8 इंच, उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में 2% कास्टिक सोडा के अंदर आधे घंटे के लिए डुबो के रखते हैं। इसके बाद उसको हम बाहर निकाल कर सूखने के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम उसमें नियरली ये ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि क्या उसके इंक के ऊपर कोई दाग धब्बा आया हो या फिर कोई उसके इंक की कलर का फेड हुआ हो या फिर इंक ने अपनी जगह छोड़ दी हो पिगमेंट ने सबस्ट्रेट के। ये सब हम उसका जो टेस्ट कर ये जो हम देखते हैं इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपने प्रिंट किया है वो एल्कलाइन के प्रति रेजिस्टेंस रखता है या नहीं रखता है। सामान्यतः ये टेस्ट जो किया जाता है ये जो साबुन के रैपर्स होते हैं, लेबल्स होते हैं या सोप कार्टून्स होते हैं या डिटर्जेंट के जो पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर किया जाता है क्योंकि उनके अंदर एल्कलाइन वाली चीज़ें होती हैं। तीसरा है टेस्टिंग ऑफ एसिड रेजिस्टेंस, अम्ल के प्रति उसकी प्रतिरोधकता जाँचना। इसके लिए हम 2% HCl के अंदर 2 घंटे उसको दुबा के रखते हैं जो आपका टेस्ट स्लिप होता है। फिर हम उसको बाहर निकाल के देखते हैं कि क्या एसिड की वजह से इंक के अंदर जो क्रोम येलो या क्रोम ग्रीन था वो कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। और 2% HCl के अलावा हम 5% एसिटिक एसिड में भी 2 घंटे दुबा के देखते हैं। 5% एसिटिक एसिड बेसिकली विनेगर में भी पाया जाता है, उसमें भी 5% एसिटिक एसिड होता है। दोनों ही स्थितियों में हम ये देखते हैं कि क्या उसके पिगमेंट का कलर चेंज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि पिगमेंट हम जानते हैं एक तरह का रासायनिक कंपाउंड है और वो एसिड से क्रिया करके अपना रंग बदल सकता है। तो ये अनअफेक्टेड रहना चाहिए, हमारा रिजल्ट ये होना चाहिए कि वो अनअफेक्टेड रहे, इसका मतलब हमारी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो एब्सोल्यूट सही है। तो ये 3 तरह के जो टेस्ट हैं जो आज हमने डिस्कस किए ये स्टडी टेस्ट हैं। ये स्टडी में हमने ये जाना है कि इन ये जो प्रिंटेड इंक का होती है उसको हम इन 3 पैमानों पर कैसे जाँचते हैं। तो ये आपकी जो स्टडी है वो कम्प्लीट हुई और आज के इसमें प्रैक्टिकल को आप ध्यान से पढ़ें। इसके ऊपर जो होता है क्या कैंपस के अंदर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई आप इंक की टेस्टिंग के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर हाँ जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो कागज़ की पैकेजिंग में भी काम में लेती हैं और BOPP CPP की पैकेजिंग में भी काम में लेती हैं, तो उसमें ये सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है क्योंकि वहाँ ये टेस्ट जो होते हैं वो नियमित तौर से होते हैं, क्योंकि उनका जो कंटेंट्स होता है, जैसे साबुन के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको साबुन बनाने के बाद अपने रैपर्स हैं, रैपर्स उसने किसी कंपनी से छपाया जिसमें आपकी जॉब लगी हुई है, तो आपका कंपनी का QC डिपार्टमेंट उस साबुन के प्रति इसको ज़रूर चेक करेगा, उसके बाद ही आपका प्रिंटेड प्रोडक्ट है उस कंपनी में वो सप्लाई करेगा पैकेजिंग के लिए। तो इसकी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, आपका आज का लेक्चर यहीं था।